आज हम लोग आ चुके हैं दोबारा से रोब्लॉक्स में। और यार आज अपन लोग जा रहे हैं आइसक्रीम हाउस। तो एक्चुअली आइसक्रीम हाउस नहीं, आइसक्रीम शॉप जा रहे हैं, ठीक है। और मेरे को चॉप से वहां पर मिलना है गाइज, तो चलो फटाफट से चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग हाई सिक्योरिटी हाउस में रह रहे हैं। आप लोग देख सकते हो भाई, एकदम ब्यूटीफुल डे है, आज मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी आओ भाई, यहाँ पे कुछ हो गया फोटो भाई। अरे आ रहा हूँ दोस्त, आ रहा हूँ, एक सेकंड ब्रो, बस दो मिनट दे मेरे को। अभी आइसक्रीम शॉप कहाँ पर है? ऑलराइट, तो लगता है इस साइड तो नहीं है। ओ हाँ, ये रही। ओके, आ गया चॉप में। फोटो भाई जल्दी आओ, आइसक्रीम शॉप के अंदर आओ भाई। ओके, इसकी बाइक तो गाइस यहीं पर लगी, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फोटो भाई ये देखो भाई, क्या मिला मेरे को, किसी ने अपना बच्चा छोड़ दिया भाई टेबल पे। अबे क्या हो रहा है भाई, अपन लोग को डेली बच्चे क्यों मिलते रहते हैं? ऑलराइट, तो गाइस लगता है कि यहाँ पे कुछ लोचा हुआ है, किसका बच्चा है? फोटो भाई मैं पीछे वाली बेसमेंट में गया था भाई, वहाँ पर तो बहुत जोर से गोली चलने की आवाज आई, उसके बाद मैं भाग के आया तो देखो यहाँ पे बच्चा पड़ा हुआ है भाई। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल, और ये मैडम जी कौन है? फोटो भाई लगता है ये भी गन शॉट की आवाज सुन के यहाँ पे पहुंच गई है भाई। व्हाट, यानी कि भाई किसी ने गोली चलाई बैकग्राउंड में? भाई साहब इसको तो पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए यार। फोटो भाई इससे पहले कि अपन लोग पुलिस को रिपोर्ट करें, आपको नहीं लगता अपन लोग को चेक कर लेना चाहिए भाई? हाँ यार, एक्चुअली में गाइस अगर ये किसी का बच्चा होगा और उसके माँ बाप को कुछ हो गया होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, कोई है क्या इधर? फोटो भाई इधर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है भाई, अपन लोग को इसको घर लेके जाना चाहिए क्या? अरे यार यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है भाई, इनफैक्ट गाइस ऐसे ही इलाकों में गोलियां चलती रहती है। ऑलराइट, तो आई गेस गाइस हम लोग को यहाँ पर से निकलना पड़ेगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ तक मुझे लगता है तो आप लोग को याद होगा गाइस, अंकल बेन को भी गोली मार दी गई थी ऐसे ही एक बेसमेंट में, और उनका एक यू नो बेसमेंट नहीं गाइस, मोर लाइक बैक एली में। और गाइस उनका जो भतीजा, उसका नाम था भाई द वन एंड ओनली पीटर पार्कर, यानी कि कहीं ये तो नहीं है वो? फोटो भाई जब मैंने इसको पकड़ा तो इसके हाथ में भाई वेब निकल रहा था, तो मेरे को लगता है ये सही में स्पाइडर मैन तो नहीं बनेगा भाई आगे चल के। अबे भाई अगर ऐसा है तो अपन लोग को इसको संभाल के रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलराइट, एक काम करता हूं गाइस, मैं ना इसको यहां पर ले आया हूं, एंड नाउ इट्स टाइम कि अपन लोग इसको फटाफट से अंदर ले चुके। ऑलराइट, ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है? अबे गेट खुल जा भाई। ऑलराइट लेट्स गो, अपन लोग गेट को करते हैं, आई मीन बाइक को करते हैं यहां पर पार्क, एंड गेट को किया लॉक। ऑलराइट आ जा चौप, जल्दी से इसको लेके चलते ऊपर। फोटो भाई पूरा का पूरा एरिया क्लियर है भाई, लेजर से अपन लोग ने प्रोटेक्ट कर लिया पूरे घर को ब्रो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, टेंशन लेने की गाइस कोई भी बात नहीं, आ जाओ भाई इसको फटाफट से लेके चलते घर के अंदर। ऑलराइट, घर तो अबे घर तो खुला ही है। ओके तो ओके, ये कौन सा घर है भाई, ये तूने नया घर खरीदा है क्या? फोटो भाई टेंशन मत लो, ये वाला घर बहुत सिक्योर है भाई, ये अपन लोग ने पिछले बार जब आयरन मैन को बचाया था उसके पैसों से खरीदा है भाई। ओके तो गाइस इस घर में अपन लोग को क्या देखने को मिलता है? अरे भाई पूरा बंकर वगैरह है यार इसके अंदर तो। फोटो भाई ये सुपर हीरो के लिए बस्ट घर है भाई, यहाँ पे देख सकते हो जेल वगैरह भी, अगर ये क्रिमिनल को पकड़ेगा तो अपन लोग जेल में डाल सकते हैं उनको। अरे बाप रे, हैकिंग वैकिंग भी कर सकते हैं यार, मिसाइल्स भी है भाई इस घर में, व्हाट? और ये क्या है, सीक्रेट एग्जिट गाइस, जस्ट इन केस अगर आपके घर पे हमला हो जाए थानोस वगैरह का, तो आप एग्जिट वगैरह भी मार सकते हो। ओके तो गाइस इसका मतलब तो आपको पता ही है, अब इस बच्चे का फ्यूचर भाई हमारे हाथों में है गाइस, और हम लोग इसे ऐसे ही नहीं बर्बाद होने देने वाले हैं, तो अपन लोग इसको पालेंगे और अपने साथ रखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि ये एक अच्छा सुपर हीरो बने आगे चल के और इस दुनिया की भलाई करे। गाइस सच बोलूं तो मेरे को देखना है कि इस छत पे यार एस्केप रूट है कि नहीं। फोटो भाई टेंशन मत लो भाई, वहां पे हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करवा दूंगा भाई मैं। चलो ये हुई ना बात। ऑलराइट गाइस, तो अभी के लिए टाइम है इसको ले जाने का बेड पे। ऑलराइट दोस्तों, 5 साल गुजर चुके हैं, एंड वो जो छोटा सा बच्चा आपने देखा था अब वो उतना छोटा नहीं रहा, अब वो पीटर पार्कर भाई 5 साल का हो गया। और ये कौन सोया है? फोटो भाई सो रहे तो भाई बहुत नींद आ रही है मेरे को। अबे बहुत देर हो गई भाई, आज इसको ले जाना था अपन लोग को, भूल गया क्या तू? फोटो भाई सो रहे तो भाई क्या कर रहा हूँ, पेट पे मत कूदो मेरा, तो चलो चलते हैं बाहर। अबे बाहर तो यार बारिश हो रही है भाई। फोटो भाई बाहर कैसे जाएंगे भाई, इसको लेके तो भीग जाएगा। अरे टेंशन मत ले, गाड़ी है ना भाई अपने पास, अपन लोग गाड़ी से जाएंगे और क्या। ऑलराइट दोस्तों, इतनी ज्यादा बारिश में यार चांसेस आर की बाढ़ भी आई होगी, लेकिन इससे हमारे छोटू मोटू पीटर पार्कर को यार एक अच्छा लेसन मिलेगा कि लाइफ जो है गाइस हमेशा आसान नहीं होती है, और चांसेस आर कि आप जब भी यार कुछ अच्छा करने जाओगे आपके रास्तों में बहुत सारी मुसीबतें खड़े हो जाएंगी और आपको उनसे बचना पड़ेगा। और भाई बाढ़ आ गई है यार इधर तो। फोटो भाई साहब मैं पूरी की पूरी बाढ़ आ गई यार, पानी भर गया शहर में, कहां था फोटो भाई? ब्रो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, थैंक गॉड कि हमारी गाड़ी इतनी ज्यादा ऊंची है कि इसके अंदर पानी नहीं यार घुस रहा है। लेकिन गाइस अब मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि अपन लोग भाई इसको आइसक्रीम हाउस लेके जाएंगे, तो अब आइसक्रीम हाउस लेके जाना पड़ेगा ना यार। फोटो भाई जिसको आइसक्रीम हाउस क्यों लेके जा रहे हो भाई? अरे दोस्त वो क्या है कि आइसक्रीम शॉप पे ही अपने को मिला था ना पहली बार, तो यू नो आज 5 साल की इसकी एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इसको यू नो लेके चला जाए। और आप लोग देख सकते हो गाइस शहर भी जो है बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है इन 5 सालों में, बिल्डिंग्स जो है बहुत बड़ी बड़ी खड़ी हो गई है, यहाँ पर बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बन चुके हैं एज यू कैन सी। और इससे बेटर टाइम नहीं है भाई इसको यहाँ पर घुमाने लाने का, वैसे ये आइसक्रीम शॉप बिल्कुल भी नहीं बदली यार। फोटो भाई लगता है ज्यादा पैसा नहीं कमाते होंगे भाई ये लोग। अरे बाप रे पानी कितना ज्यादा भर गया है भाई, देखो यार ये ऑलमोस्ट इन लोगों ने शॉप बंद कर दिया था, देख रहा अंदर में
कोई है भी नहीं। तुम्हारे रुको मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड भाई मैं चाबी लेके आ रहा हूँ अंदर से। हाँ जल्दी लेके आ भाई बैकअप की। अपन लोग भाई आए आज आइसक्रीम खाने और छोटू पीटर पार्कर को आइसक्रीम खिला के ही जाएंगे। आजा ब्रो आजा। कौन सी आइसक्रीम चाहिए इसको? तुम्हारे मेरे को लगता है ये भाई चॉकलेट आइसक्रीम खाता है। हाँ जल्दी जल्दी चॉप मेरे दोस्त, जल्दी से इसको आइसक्रीम यहाँ पर निकाल के दे दो एकदम ठंडी ठंडी वाली। और अपन लोग चलते हैं गाइस आगे की तरफ। भाई ये लो भाई टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम भाई, आप भी क्या याद रखोगे। अरे अरे मिल नहीं रही है मेरे को, वेट अ सेकंड। अबे देना देते कैसे? एक सेकंड गाइस, लगता है यहाँ पे कोई बटन होगा। ओ हाँ ये रहा। ओके तो गाइस आइसक्रीम मिल गई है अपने को और ये तो खाने बहुत टेस्टी है यार। तो भाई आपके लिए नहीं दिया था यार, उस छोटू पीटर पार्कर के लिए दिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई। ओके तो गाइस अब टाइम है बाढ़ से बचने का, तो बाढ़ से बचने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पे। अब आप सोच रहे होंगे ऊंचाई वाली जगह कौन सी होती है भाई? तो गाइस यहाँ पर बेसिकली एक टाउन हॉल है, तो ये यू नो थोड़ा सा एलिवेटेड भी है। और दूसरा रीजन यहाँ पर आने का ये है कि हम लोग छोटू पीटर पार्कर को बता रहे हैं कि अगर वो बड़ा हो और स्पाइडरमैन बने और उसके बाद शहर में कभी बाढ़ आए तो यहाँ पर से वो वाल्व कंट्रोल करके सारा का सारा पानी बाहर निकाल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को भी बेसिकली सीखना पड़ेगा कि पानी निकालते कैसे है यार, सारे के सारे पाइप्स तो ऑन कर दिए मैंने। तो भाई अब वेट करना पड़ेगा भाई, पूरा शहर का पानी चुटका में थोड़ी बाहर निकल जाएगा। ऑलराइट तो गाइस अब जो है ये बाढ़ वाली प्रॉब्लम फाइनली सबको जो है यार आराम दे देगी। और एक्चुअली बारिश भी नॉन स्टॉप हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे शायद थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। और ये देखो भाई छोटू पीटर पार्कर, ये है वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, समझ रहे हो? ये सारे के सारे सुपर विलन है जिनको तुम्हें बड़े होकर के पकड़ के सबक सिखाना है। और ये क्या है भाई? तो भाई ये गैजेट रूम में लगता है भाई, यहाँ पे सूट वूट बनाने की मशीन लगा के रखी है लोगों ने। अरे भाई 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 सूट वूट अभी नहीं चाहिए भाई, 5 साल के बच्चे को क्या सूट पहनाएंगे भाई अपन लोग। ऑलराइट दोस्तों ये देखो, ये रहा यहाँ पर मेयर ऑफिस। और यही पर आकर के दोस्तों हम लोग जो है मेयर साहब से बात कर सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकते हैं कि किस क्रिमिनल को पकड़ना है और किसको नहीं। और गाइस ये है हमारा वन एंड ओनली जस्टिस रूम, और इस कोर्ट रूम में आकर के बड़े से बड़े क्रिमिनल को भाई सजा मिलती है। तो यहाँ पर भी छोटू पीटर पार्कर को बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। एंड गाइस आई थिंक अभी के लिए इतना ही काफी रहेगा, वैसे भी छोटे दिमाग पे ज्यादा भार नहीं देना चाहिए, समझ गए? ओके तो गाइस एज यू कैन सी हमारा छोटू पीटर पार्कर बहुत ही बड़ा हो चुका है एंड अब इसके पास स्पाइडरमैन की पावर्स आ चुकी है दोस्तों। और आप लोग देख ही सकते हो भाई स्पाइडरमैन की पावर्स के साथ हम लोग यहाँ पर रोब्लॉक्स में बवाल मचा रहे हैं। ओ भाई सारे के सारे सुपर विलन्स को हम लोग रोकेंगे दोस्तों। और ये देखो भाई कितना मस्त नजारा लग रहा है यहाँ पर से, हम लोग पूरे का पूरे शहर के ऊपर नजर रखते हैं एक गार्डियन एंजल के जैसा। और आपको तो पता ही है गाइस अवेंजर्स में टोनी स्टार्क के जाने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, तो अपन लोग यहाँ पर आयरन स्पाइडर का सूट पहन करके आ चुके हैं टू द रेस्क्यू। और अब दुश्मनों तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि आयरन स्पाइडर आ चुका है तुमसे पंगा लेने। तो भाई लेकिन बहुत सारे विलन थे भाई, मैं भी मिलकर मार रहा हूं, आप भी मारो भाई। अरे भाई इतने सारे विलन है गाइस यहाँ पर, अगर इनको हम लोगों ने रोका नहीं तो पूरा का पूरा शहर यहाँ पर तबाह हो जाएगा गाइस। एंड एज स्पाइडरमैन हमारी ये रिस्पांसिबिलिटी है कि हम लोग इस शहर को बचाए। ऑलराइट तो सबसे पहले तो प्रिजन चलना पड़ेगा दोस्तों, वहां पर देखते हैं कि किस किस टाइप के क्रिमिनल्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। एंड वी आर हियर। ओके तो अभी तो मेरे को कोई क्रिमिनल नहीं दिख रहा है और मल्टीवर्स के बहुत सारे स्पाइडरमैन यहाँ पर है। वो एक प्रिजनर दिखा मेरे को, अबे उसको मारो मत यार। ओ माय गॉड गाइस ये लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि मेरी यहाँ पर जरूरत है गाइस, क्योंकि इतने सारे मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। आई मीन इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन है, उसके बाद गन वाला स्पाइडरमैन है, ये देखो ओरिजिनल स्पाइडरमैन है 2002 वाला। भाई अपने को यहाँ पे नहीं होना चाहिए गाइस। ओके हमारी जरूरत शहर में बहुत ज्यादा है आई थिंक, क्योंकि देखो गाइस प्रिजन यहाँ पर ब्रीच हो चुका है और सारे के सारे क्रिमिनल्स रोड पर आजाद घूम रहे हैं एकदम खुला। और खुला क्रिमिनल से भाई बुरा तो मेरे को नहीं लगता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी होता है। तो अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किंग पिन और लिजर्ड और सैंडमैन जैसे खतरनाक क्रिमिनल्स को यहाँ पर पकड़ करके हमें वापस जेल के पीछे डालना पड़ेगा अपनी सुपर स्पाइडर एबिलिटीज का इस्तेमाल करके। और हमारे स्पाइडर सेंस में यार मेरे को कुछ यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है दोस्तों, एंड मेरा सेंस बिल्कुल सही था। ये देखो किंग पिन आई मीन किंग पिन यहाँ पर जा रहा है। किंग पिन तेरी ऐसी की तैसी मेरे सामने लड़ाई करेगा छोटे, ये ले खा ले मेरे घूसे। ओ भाई हमारे पास यहाँ पे आयरन स्पाइडर की स्वॉर्ड भी आ चुकी है, ऑल्दो ये मूवी में नहीं थी लेकिन ये कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है भाई। एक दो स्लैशेस में किंग पिन का बैंड बजा दिया। किंग पिन फिर से आ गया भाई, तेरी हिम्मत की दांत देने पड़ेगी यार। एक बार तूने अपने दांत तुड़वाए फिर भी तेरे को समझ में नहीं आया कि हम लोगों के पावर लेवल के सामने तू भाई पानी कम चाय भी नहीं है। ऑलराइट तो गाइस एक विलन तो यहाँ पर डाउन हो चुका है, अब टाइम है दूसरे विलन का बैंड बजाने का। ओए भाई कहाँ पे घूम रहा है बॉय, सामने आ जा हमारे। ओ भाई कितना ऊपर जा सकते हो यार मैं स्पाइडरमैन की पावर का इस्तेमाल करके? तो भाई आप बहुत ऊपर जा सकते हो भाई, इन्होंने अपने सूट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है भाई। ओ ये देखो अपन लोग इनविजिबल भी हो सकते हैं, व्हाट यार ये तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी इसने डेवलप कर ली भाई। अब हम लोगों को क्रिमिनल्स को पकड़ने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा गाइस। और
ये देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है यहाँ पर। हम लोग अपने एडवांस वेब स्विंगिंग का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा ऊंचाई से एयरबॉर्न होकर दुश्मनों को टारगेट करके देख सकते हैं और एक बार में पता लगा सकते हैं कि शहर में कहां पर हमला हो रहा है और कहां पर सबसे ज्यादा हमारे स्पाइडरमैन की जरूरत है। भाई मेरे को लगता है यार आप जिधर घूम रहे हो उधर ही क्रिमिनल घूम रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो आप, उनको रोको भाई। अरे हाँ रोक रहा हूँ दोस्त, एक बार मेरे को नजर आ जाए उनके बाद उनकी खैर नहीं। कहां पर घूम रहे हो दुष्ट क्रिमिनल्स, हिम्मत है तो सामने आओ हमसे दो दो हाथ करके तो एक बार देखो दोस्त, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक एवेंजर की पावर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा होती है हैंडल करने में। एंड गाइस ये देखो यहाँ पर भाई ग्वेन भी आ चुकी है। अरे बाप रे भाई तुम ग्वेन बन के क्या कर रहे हो। वैसे गाइस अपन लोग का स्पाइडरमैन को फाइनली उसकी ग्वेन मिल चुकी है और उसका कहानी कंप्लीट हो गया भाई। आप लोगों ने देखा हम लोगों ने 100 इयर्स ऑलमोस्ट सरवाइव किया है स्पाइडरमैन। और अगर आपको पसंद आया है भाई ये वीडियो तो फटाफट से लाइक कर देना मेरे दोस्तों, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, मैं चाहता हूं 50,000 लाइक्स। और गाइस कमेंट्स में जरूर से बताना कि अगला कौन सा सुपर हीरो हमें ट्राई करना चाहिए रोब्लॉक्स के अंदर। एंड या गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।